So hey guys, welcome back to my again mukbang video. So today menu is basically a very very different. So today's idli, which is handmade, and this one is sambar, and this one is some condiments. Or ये आज मैंने मंगाया तंदूरी platter. This is veg तंदूरी platter जिसके अंदर छोटे छोटे गलौटी कबाब हैं. Look at this. अभी start करेंगे. और this one is noodle. आप देख रहे होंगे. और ये देखो क्या है भाई, छोटा सा नाम का सिर्फ चिली पोटैटो, बहुत छोटा सा है, ये भी गिर गया. और दिस वन इज किमची सैलेड वाई विच इज वेरी वेरी फेवरेट फॉर मी. दिस वन इज चिली पनीर, लुक एट दिस गाइस, भाई सारा रस टपक रहा है. आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, सो लेट्स गेट स्टार्ट द फूड. दिस वन इज सोया चाप. और सम टिश्यूज, ये यहाँ से आया है सोना रेस्टोरेंट, सोना स्वीट्स, उडीपी रेस्टोरेंट से. और बेसिकली विच इज सारा वेज है, ये आपको पता है मैं सारा वेज ही करता हूँ. दिस वन इज गलोटी कबाब. कुछ ऐसा दिख रहा है अंदर से, चटनी है से खाते हैं. लिटरली टेस्टी है. और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, बहुत अच्छा प्यार खाने के लिए. और ऐसी वीडियोस को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं. दिस वन इज दही के छोले, लुक एट दिस, इतने प्यारे लग रहे हैं, टेस्ट करते हैं. इसके कुछ अंदर पनीर की फिलिंग है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है. अच्छा, दिस इज तंदूरी प्लेटर है भाई, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताना भूल गया. दिस इज आलू, स्टफ आलू है. इसके अंदर पनीर की फिलिंग है और तंदूरी प्लेटर के अंदर पनीर टिक्का ना हो इसके बिना अधूरा है. सब टेस्ट करेंगे. और घर की इडली, लुक एट दिस, और सांबर. ओ भाई बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो आप लोग, प्लीज ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं. बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. इडली बहुत टेस्टी है. और बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस से मोटिवेट होते हैं भाई, उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है भाई. प्लीज़ पर्सनल मैसेज ना करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज करा करो, ये कमेंट बॉक्स, सॉरी मैसेज नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करा करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं. और भाई प्लीज़ एक लाइक से और कमेंट से मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है. तो भाई प्लीज़ 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 मोटिवेट रहता हूँ मैं, तो आप प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो. इसके अंदर देखते हैं, मैंने देखा नहीं, खोलते हैं. वाओ छोटे से स्प्रिंग रोल आए हैं, छोटे छोटे से. ओ वाओ, ये तो खड़े भी हो गए, गेट दिस. सैलेड ट्राई करते हैं पहले इनका. किमची सैलेड बहुत थोड़ा सा आया है, लेकिन भाई लिटरली खा के देखते हैं कैसा है. एक टैंगी और एक स्वीटनेस है, बहुत अच्छा है. सो आई जस्ट रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू गाइस, मैं आपको भी ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट करना भाई. लिटरली अगर कोई दिल्ली से है तो भाई प्लीज ट्राई करना, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना है. कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट यू कैन ट्राई. हम्म
चिली पोटैटो ट्राई करते हैं, बहुत थोड़े से आए हैं बट फिर भी लिटरली टेस्टी है, सॉगी हो गए हैं लेकिन भाई मजा आ रहा है खाने में। ओके दिस दीज आर द मंचूरियन बॉल्स, छोटा छोटा सा दिया है। एग्जैक्टली परफेक्ट कुक है और भाई बहुत टेस्टी बना हुआ है, लिटरली मुझे मजा आ गया। चिली पनीर, और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज अवॉइड करना, थोड़ा सा यहाँ पे काम वाम चलता रहता है तो आवाज आती रहती है। Like a bird on a tree. इनकी कुछ ऐसी नूडल है, look at this. नूडल इतनी लाइट है लिटरली, खा के मुंह में मजा आ गया, बहुत स्पाइसीनेस नहीं है, बिल्कुल लाइट बनी हुई है और गार्निश बहुत अच्छी बनी हुई है। बटर फायर हो गया गलौटी का कबाब का, लिटरली बहुत टेस्टी है। और अब बारी है स्प्रिंग रोल टेस्ट करने की, स्प्रिंग रोल टेस्ट करते हैं। Look at this, मैं छोटे से हैं और ये गाइस लिटरली मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है दोनों आइटम, एक तंदूरी प्लेटर, दिस इज चाइनीज प्लेटर, मैं बताना भूल गया था सॉरी, दिस इज चाइनीज प्लेटर। चाइनीज प्लेटर के अंदर नूडल्स हैं और चिली पनीर है, मंचूरियन है और ये आपका चिली पोटैटो है और किमची सैलड और ये स्प्रिंग रोल, बट भाई इनफ है एक बंदे के लिए, एक बंदे के लिए नहीं दो बंदे आराम से खा सकते हैं, मतलब मेरा रिकमेंडेशन अगर जैसे मैं मकबंग करता हूँ, अब कई लोगों की आदत होती है बहुत कम कम खाना, तो उनके लिए दो या तीन बंदे भी खा सकते हैं और मेरे जैसे हट्टे कट्टे जो अगर होंगे 78-80 किलो वेट के वो एक ही खा पाएगा, एक या दो। मैं इनकी कोई पेड प्रमोशन तारीफ नहीं कर रहा भाई, लिटरली खाना बहुत टेस्टी है। सोना स्वीट्स से मैंने मंगाया ये खाना, बहुत अच्छा खाना है लिटरली, बहुत बढ़िया है। भाई किमची सैलड को लिटरली मजा आ गया। और इसके साथ कोई कॉन्डिमेंट्स नहीं है जैसे विनेगर वगैरह या चिली टाइप। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा लिटरली भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बता रहा हूँ भैया कि टिश्यू इन्होंने भर भर के रखे हैं, देखो बहुत सारे टिश्यूज हैं। इडली भी ट्राई करते हैं बीच बीच में।
भाई घर की इडली लिटरली बहुत टेस्टी होती है। मेरे घर में जो इडली बनती है लिटरली भाई मज़ा आ गया। एक मसाला आता है राइस इडली करके और प्लेटर मेरा पूरा पड़ा हुआ है दही के छोले। भाई लिटरली क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा तंदूरी प्लेटर और चाइनीज प्लेटर की और वो पूरी हो गई। बहुत टेस्टी है। अब मैं सोच रहा हूँ चिली पनीर की जो ग्रेवी है इसमें थोड़ा सा मिक्स करते हैं कैसी लगती है। और इसकी एक खास बात बहुत ज़्यादा माइल्ड तीखा रखा हुआ है, बिल्कुल भी तीखा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मिर्च लगने लगे। मतलब रेस्टोरेंट वालों ने बहुत ध्यान दे रखा है, कम स्पाइसी खाते हैं जो लोग उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे मैं कम स्पाइसी खाता हूँ। लिटरली भाई नूडल्स एकदम फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश नूडल्स बना के भेजे हुए हैं, बिल्कुल ताजी हैं और वेजिटेबल्स वगैरह भी इसके अंदर काफी अच्छी डाल रखी हैं इन्होंने। और चिली पोटैटो भी बहुत लोग मीठा कर देते हैं, मैंने देखा है भाई इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत मीठा बनाओ, ना बहुत तीखा है ना बहुत मीठा है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। ये भी खत्म हो गया, ऐसा लग रहा फिनिश करना बहुत ज्यादा चैलेंज बन गया लिटरली। इसमें पनीर टिक्का बचा है। तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, फिर हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। और प्लीज 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 गाइस वेजिटेरियन होनी चाहिए, नॉन वेज आई नॉट प्रेफर एनी मोर। मुझे लग रहा है भाई आज का इनफ हो गया, मतलब मेरे से नहीं खाया जा रहा और लिटरली भाई पता नहीं आज बहुत ज़्यादा पेट भर गया या हैवी हो गया, बट खाना सारा माइल्ड है, किसी में ज़्यादा नमक नहीं है, किसी में ज़्यादा मिर्च नहीं है और पता नहीं मुझे हैवी हैवी क्यों लग रहा है जबकि मैंने खाया भी नहीं है कुछ भी और मैं फास्टिंग पे भी था। सो कोई नहीं, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप बताना प्लीज़ कमेंट करके किस पे होनी चाहिए। सो भाई प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना और भाई कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि भाई प्लीज़ कौन सी वीडियोस नेक्स्ट होनी चाहिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ, नेक्स्ट वीडियो किसकी होनी चाहिए और प्लीज़ मेक श्योर वेज ही होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।